Hey guys, welcome back to the channel. Welcome to Shankaraj Vlogs. Shopping mall, restaurant, bahar aana jana filhal sab band. Sirf emergency service, office are still open. Our office is still open because she is in emergency duty. So those who don't know, she work for a bank, nationalized bank. So no off for you. No. सो आज है लेबर डे, फर्स्ट ऑफ मे, आज है छुट्टी. सो हम लोगों को टाइम मिल गया आपके साथ इंटरेक्ट करने का, ब्लॉग बनाने का. फिलहाल अभी तो बाहर में ऐसा सीन है, कुछ जा भी नहीं सकते और बहुत रिस्क है. बेटर टू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ. सो गाइज, हाउ आर यू, कैसे हो? और जो मेरे नए सब्सक्राइबर है उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन वीडियो नहीं आ रहे हैं. एंड दोज हु आर कमिंग टू माई न्यू चैनल, न्यू हु आर न्यू, सो गाइज थैंक्स, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल. सो आज हम लोग ऐसे ही वीडियो स्टार्ट किए बिकॉज टुडे इज सैटरडे एंड टुडे इज इवन अ हॉलीडे. सोचा घर में ही वीडियो स्टार्ट किया जाए, दिखाने का तो कुछ ऐसे है नहीं. सो ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं. अब सोचते हैं कि इस ब्लॉग को हम लोग कुकिंग ब्लॉग बना, कुकिंग ब्लॉग में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहां पर हम लोग खाना बनाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे. सो फिलहाल ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया और लंच का प्रिपरेशन चल रहा है. सो आज खाना बनाने वाली दीदी भी नहीं आई है, क्योंकि उनका भी छुट्टी है. तो मैडम बनाएगी खाना हम लोगों के लिए आज. सोचा एक छोटा सा Q&A सेशन भी कर लिया जाए. तो हर मैंने ज़्यादातर सब्सक्राइबर एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई डोंट यू टॉक इन बंगाली, आपका ब्लॉग बंगाली में क्यों नहीं होता है. सो इस बात पे वो मुझको ताना भी मारते हैं, क्या बंगाली इज़ नॉट अ चीप लैंग्वेज, अरे बंगाली हो तो बंगला में बात करने से क्या शर्म. बट आफ्टर ऑल बात ऐसा नहीं है गाइस, मेरे जो सब्सक्राइबर है मैक्सिमम आप देम आर नॉन बंगाली. सो और हिंदी है हम लोगों का राष्ट्रीय भाषा, सो बेटर टू टॉक इन हिंदी. एक्चुअली ब्लॉग मेरा जो सब्सक्राइबर है उस हिसाब से मुझको चलना पड़ता है. सो गाइस इसके लिए आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, आई डोंट हैव एनी हेट फॉर माई लैंग्वेज, दिस इज माई ऑल्सो मदर टंग. सो This is the why I always speak, try to speak in Hindi. I don't know my Hindi is good or bad, whatever. और दिल से बात निकलता है यार, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगला हो, क्या आता जाता है यार. सो दिस इज द वन क्वेश्चन. ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि आपका ब्लॉगिंग वीडियो तो ठीक है, साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड. एक्चुअली मैं एक्सटर्नल कोई माइक नहीं यूज करता, मैं अपने फोन से ही ब्लॉग करता हूँ. दिस इज जस्ट माई हॉबी, ये मेरा जस्ट अ हॉबी है. अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, उसको पोस्ट करने में, क्योंकि मैं हमेशा उसको एक्सेस कर पाऊँ. मैं जब बुड्ढे हो जाऊँगा मेरा बच्चा देखेगा, हम लोग बुड्ढे जब हो जाएंगे तब हम लोग सो के देख सकते हैं यूट्यूब में हम लोग क्या किए थे. इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ. सॉरी, मेरा इन्वेस्टमेंट फॉर माई कैमरा माइक नथिंग, मैं जस्ट मैंने फ़ोन से ही ब्लॉग बनाता हूँ. इवन आई डोंट यूज़ एनी एक्सटर्नल माइक, इसीलिए मेरा वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब है. और जहाँ तक बैकग्राउंड म्यूजिक का बात है, वो तो स्टिल आई एम लर्निंग हाउ टू एडिट. आई फील सो मच हैप्पी बिकॉज द लव यू गाइज आर शोइंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया आप गवर्नमेंट जॉब करते हो क्या? गाइज मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करता. फोर्थ क्वेश्चन, और ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, अबाउट माय टाटा टियागो. सब पूछते हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और उसके बारे में है. सो गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर टाटा टियागो, लुकिंग फॉर अ गुड हैचबैक कार इन दिस सेगमेंट विद दिस बजट 5 to 7 lakhs, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड सेफेस्ट कार इन इंडिया, नो डाउट. सो यू गाइज टाटा बजट पॉइंट में मैंने टियागो के साथ गया, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी गाइज. दोज हु आर आस्किंग मी, गो फॉर इट गाइज, गो फॉर इट, गुड हैंडलिंग, गुड स्टेबिलिटी. सो गाइज आज के लिए Q&A इतना ही, ज़्यादातर और कुछ कुछ क्वेश्चन है जिनका मैं बाद में आंसर दूंगा. फिलहाल आज के लिए इतना ही, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे खाना बनाने में. रन खाना बन रहा है यहाँ पर गाइज, तो स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग को देखते रहो. अभी तो फिलहाल घर में ही ब्लॉग बनेगा और आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करो. और यार जिसने अभी तक देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इज फ्री ब्रो, इज फ्री. सो और अच्छा अगर लग रहा है तो बेल बटन भी दबा दो, क्योंकि फ्री है यार, करो करो सब्सक्राइब करो. सो अभी यहाँ पर मैडम प्रिपरेशन है, मैं भी जा रहा हूँ उसको हेल्प करने. सो यहाँ पर लंच हो गया है स्टार्ट विथ लवली यम्मी मैंगोज. सो मैंगोज का टाइम आ गया, समर
एंड दिस स्वीट यम्मी ऑसम मैंगोज। सो लास्ट वाला वीडियो जो आप देख रहे थे वो तो दो दिन पहले का है, फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, भूल गया, टाइम नहीं मिला। फिर अभी टू डेज बाद सोचा वो मैंने वीडियो बनाया था उसको फिनिशिंग देते हैं। सो अभी टाइम मिल गया है फिर से। सो सॉरी गाइस, अभी कंटेंट की बहुत कमी और टाइम की कमी की वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। सो गाइस प्लीज़ कोऑपरेट। और अभी यहाँ पर जैसे कि म्यूजिक सेशन चल रहा है, ही इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द ओकेशन, सो ही गोना सिंग अ टैगोर सॉन्ग। Those who are coming to my channel new, I just really thank them from bottom of my heart. तो कमी है, टाइम नहीं मिल रहा है, बाहर लॉकडाउन है, कहीं जा भी नहीं सकते, सो ऐसे कोविड के चलते दिमाग भी खराब है। इसी नोट पे मम्मा का एक गाना सुनेंगे और वीडियो एंड करेंगे। सो मम्मा गोना सिंग अ गुड सॉन्ग दैट विल मोटिवेट अस फॉर टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। मम्मा प्लीज गो अहेड। संयम है पर उनके संयम की हमारी को है सीमा, रावण समय है मांग ले क्षमा। बज सप्त कड़ंका जल पाप की रंका, आए राजा राम कर हम प्रणाम संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो विपता है आई। सो इसी नोट पे हम लोग वीडियो को करेंगे ख़त्म और वही वेस कि कोरोना जल्दी जल्दी चला जाए, श्री राम हम लोगों को मूव करे और सिचुएशन गेट बेटर। अभी तो सब बंद। सो गाइज इस नोट पे सो वी ऑल वेस कि कोरोना जल्दी जाए और सबको शांति दे, पूरी दुनिया को शांति दे, मैं इंडिया को शांति दे। सो गाइज स्टे ट्यून और इस नोट पे हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। सो सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, बाय।